और अब आप वापस बिजी हो गए हैं चश्मे बद्दूर का रीमेक कर रहे हैं जो वायकॉम प्रोड्यूस कर रही है, और चश्मे बद्दूर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही बेहतरीन फिल्म, उसे आप रीमेक कर रहे हैं। आपने इन 40 फिल्मों में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 40 बहुत कम फिल्में रीमेक की होगी, अभी साउथ की, साउथ की कुछ फिल्में की हैं रीमेक, अदरवाइज कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं इस बार रीमेक क्यों? नहीं, ये मेरे साथ दो साल से पड़ी हुई थी स्क्रिप्ट एंड ऑल, यू नो काम कर रहे थे, और बनते 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 जब इतनी अच्छी बन गई, मुझे ऑलवेज अच्छी लगती थी, और एक बड़ी ईजी फिल्म होती है ना, एक होता ना कि डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत ईजी फिल्म है, कुछ फिल्में ऐसे होती है कि बहुत एफर्ट नहीं होता। सही बात है। तो और स्पेशली विथ न्यू पीपल एंड ऑल, एंड आई वॉन्टेड टू डू अ फिल्म, यू नो मुझे लगा कि यार एक मैं थोड़ा सा, तो वो स्क्रिप्ट करते करते मुझे स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगने, जो भी चेंजेस किए हमने, हाँ जी, पर मेन मुद्दा चश्मे बद्दूर का है। हाँ। तो इसकी फाइनल स्टारकास्ट क्या है? अभी मोर लेस स्टारकास्ट जो है ऋषि कपूर, यस, वो प्ले करेंगे अपना सईद जाफरी का ललन मियां थे जो, हाँ जी, हाँ, देन लड़के तीन है, हाँ जी, देन वन इज अली जफर, हाँ जी, एंड देन दी अदर सिद्धार्थ फ्रॉम द साउथ जो रंगदे बसंती में था, राइट, और थर्ड है वो जो लिक्विड जो जो प्यार का पंचनामा में था, ब्रिलियंट एक्टर, या दिस थ्री बॉयज, और जो दीप्ति नावल का जो रोल था वो कौन प्ले कर रहा है? वो करिए तापसी, ओके, ये साउथ की हीरोइन है, राघवेंद्र राव इज इंट्रोड्यूस्ड हर, ओके, शी इज वर्किंग इन द साउथ ऑलरेडी, तेलुगु इंडस्ट्री की, ओके। कितने ताजुब की बात है कि आपने 40 फिल्में बनाई हैं और कई कामयाब फिल्में हुई है, आप चाहते तो अपनी ही फिल्म को रीमेक कर सकते थे, साई परांजपे की फिल्म क्यों? ये अच्छी बात है, अपनी कुछ फिल्में थी जिसको मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता था, जैसे कुली नंबर वन है, हाँ जी, सिंगल प्लेइंग अ डबल रोल, यू नो, राइट, साजन चले ससुराल, दो तीन चार पिक्चरें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती थी मुझे, फिर मैंने बोला नहीं यार, यू नो मैं अपने सीन नहीं लेता, तो बट साई परांजपे की फिल्म भी क्या है, वायकॉम के पास राइट्स थे इनके पास, अच्छा, तो उन्होंने बोला ये है तुमको अगर अच्छा, पहले रिलायंस के पास थे, ओके, नहीं इन्हीं के पास थे, दे शोड मी एंड मैंने कहा, मैंने देखी, एक्चुअली राकेश बेदी मेरे साथ ही रहता था जब चश्मे बद्दूर कर रहा था, ओके, मेरा रूममेट होता था, ओके, तो वो शूटिंग में साई को मैं अच्छी, साई परांजपे जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने अब दोबारा देखी, मैंने पहली बार तो ये कही यार ये एक्टिंग कौन करेगा, रवि बासवानी कहाँ से मिलेगा मुझे अब, इतना कैलिबर, राकेश बेदी, फारूक शेख, दीप्ति, देव ऑल परफॉर्म्ड वेरी वेल, यस, और मैंने कहा इसको चेंज, देन आई सेड चलो लेट्स ट्राई एंड चेंज द स्क्रिप्ट, काम कर लेते इस पर, करते 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 यू नो मतलब आप समझ लो कुछ 4 महीने पहले जाके डिसाइड किया कि ये करेंगे, यू नो बट कई लोगों का मानना है कि क्लासिक्स को रीमेक नहीं करना चाहिए सर, एक बार जो बन गया सो बन बट गया। इस टाइप की फिल्में आप कर सकते हो, आई फील देखो ऋषिदा की फिल्म यू शुड रीमेक, ओके, यू नो दे आर नाइस फिल्म, सॉफ्ट फिल्म, वो बनाते थे जैसे, राइट, वो अच्छी फिल्म है, वो बनानी चाहिए, यू कांट मेक अ मुगले आजम और यू कांट मेक अ मदर इंडिया और अ शोले, और अ शोले यू कांट, वो अब बट ये टाइप की फ्रॉथी लाइट या यू कैन मेक, आई मीन ऑब्वियसली ये बहुत हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती है फिल्म, राइट, वेरी ट्रू, तो इसमें बट यू नो ये फिल्म को बने तकरीबन 30 साल हो गए हैं, ये 81 में आई थी पूरा 81 एग्जैक्टली 30 इयर्स, उस वक्त का दौर, उस वक्त की कहानी अलग थी, हाँ, आज का दौर अलग है, आपको लगता है आज के दौर को ध्यान में रखते हुए आपने स्क्रिप्ट में चेंजेस 100% वो किए, बट उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स जो है ना जो उस दौर में और आज दौर में कोई फर्क नहीं है, रियली, जिसके कारण मैंने फिल्म की है, ओके, देयर आर सर्टेन सीन्स, पिवोटल सीन जिसे कहानी घूमती है, अच्छा, वो वही है, वही है, ओके, बात करते हैं आपकी नई फिल्म की रास्कल्स, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने एनालाइज किया होगा? वो तो देखो पब्लिक एनालाइज कराती है ना, रिलीज होने के बाद ही, सर जब तक बनाई थी लोगों ने देखी थी ठीक लगी थी, मतलब ऐसा किसी ने नहीं बोला कि मतलब इट वॉज एन एंटरटेनर, हमने मैंने बनाई वही थी उस हिसाब से, और अच्छा ट्रायल में भी लोग देखते थे जिसको बोलते हैं कि वो 70% यूज टू लाइक इट ऑल्सो, ऐसा नहीं कि सम पीपल ऑल्सो नॉट लाइक इट, बोला ठीक है कुछ कोई बोला, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी भी लगी है, तो मिक्स्ड ओपिनियन था, तो मिक्स्ड ओपिनियन ऑलवेज जो होता है ना कि वो थोड़ा ठीक नहीं गया, बट मैंने एनालाइज किया, मुझे ऐसे लगा थोड़ी पुरानी फिल्म लग रही थी, आई डोंट नो मेरा ये थोड़ा फॉर्मूला पुराना था, ओके एक सवाल जो काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं आपसे और मैं भी पूछना चाहूँगा, आप वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपने 40 फिल्में डायरेक्ट की हैं पर आज 70 फिल्में एडिट की हैं 40 फिल्में डायरेक्ट की हैं और एक से बढ़कर एक एंटरटेनर और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं,
पर आज तक आप प्रोड्यूसर नहीं बने। सर कितना खुश लग रहा हूँ आपके सामने, आपको मालूम है क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। सर रात को सोता हूँ ना तो मेरे का कोई घंटी नहीं बजाता, ये समबड़ी को फ़ोन आ गया कि सर ये बिल्स बाकी है। सर बहुत अप्स डाउन है प्रोड्यूसर की लाइफ में, और व्हेन आई एम पेड वेल, आई एम लुक्ड आफ्टर वेल, पिक्चर अपने हिसाब से बनाता हूँ, प्रोड्यूसर भी कमाता है, आई एम मोर हैप्पी इन टू दैट। और पता लगा एक मैं बिजनेस डायरेक्शन में बिजनेस लेके आ रहा हूँ, वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है उस दिन। अभी एटलीस्ट आई एम ऑन द सेट, आई एम टॉकिंग टू द प्रोडक्शन स्टाफ स्टैंडिंग देयर, ये वो, मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 मिनट शूटिंग खत्म हुई गाड़ी में बैठा, कल का सीन है ये निकल गया। इट इज़ नॉट माई जॉब, इट्स द पीपल हु आर मेकिंग द फिल्म, इट्स अ वेरी स्ट्रेस ओरिएंटेड। और जिन जिन्होंने बनाई भी है ना पिक्चरें, जिन लोगों ने, उनसे आप पूछिए, इट्स नॉट अ ईजी जर्नी। सही बात है। तो जिस काम के लिए मैं आया मैं वही कर रहा हूँ, वही करूँगा। राइट राइट, वाओ, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मेनी मोर हिट्स फ्रॉम डेविड धवन द बादशाह ऑफ एंटरटेनर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शूट। थैंक्स थैंक्स।